उत्तर प्रदेश गोंडा जिला में मंगलवार रात्र मोटी दुर्घटना थी थी जेमा वजीरगंज क्षेत्र टिकरी गाम में सिलिंडर ब्लास्ट थवानी घटना सामने आवी हती। आ दुर्घटना में बे मकान धराशायी थया हता। मळती माहिती अनुसार आ मकान ना काटमाळनी अंदर 14 लोको दटाई गया हता। 8 मृतकों में बे पुरुष, बे महिला अने 4 बाळको पण सामेल छे। आमां 6 गंभीर रूपथी इजाग्रस्त छे। आ तमाम इजाग्रस्तोने जिल्ला होस्पिटल में प्राथमिक सारवार माटे खसेडवामां आव्या हता। गोंडा जिले में वजीरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत टिकरी गांव में उस समय रात में धमाका हो गया जब खाना घर में बनाया जा रहा था, उसी समय सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है जिसमें 8 मौतें हुई हैं, 7 लोग का इलाज है। इंडिया न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं, वो ये जिला अस्पताल है जहाँ पर ये घायल है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये वो 3 परिवार के ही लोग हैं, जो मोइन मुखिया है नूरुल जो बीच में लेटे हुए हैं, उधर महिला हैं और इधर उनके बेटे हैं। ये 3 लोग यहाँ पर घायल हैं जो यहाँ पर एडमिट हैं, और इसके अलावा बगल के कमरे में 3 बच्चे हैं जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें पूरी अब तक इंडिया न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव है कि अब तक इस पूरी घटना में 8 मौत हो गई है, टोटल 7 आदमी घायल हैं। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लोगों को निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने अब 8वीं बॉडी निकाल ली है और टोटल अब इस घटना में 8 मौत हुई है और 7 घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज।